बुजुर्ग माताओं भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अध्यात्म के रास्ते को शेरों के ज़रिए, जो दो लाइन्स के होते हैं, खोल खोल के समझाया है। जब हम उनके शेरों को पढ़ते हैं तो ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम कौन हैं, पिता परमेश्वर से हमारा रिश्ता नाता क्या है, उनसे मिलाप कैसे हो सकता है, किस किस्म की ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए, ये सब खोल खोल के अपने शेरों के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सब के लिए छोड़ गए हैं। कि वो भाई बहन जो उनकी ज़िंदगी में जी रहे थे, या वो भाई बहन जो 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 1000 साल बाद आएंगे, उनके लिए वो खजाना रहेगा कि वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचे। अध्यात्म का रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन हम लोग जो इस दुनिया में जीते हैं, जो सोचते हैं कि हम बड़े अकलमंद हैं, वो सीधी चीज़ को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं चीज़ जब कॉम्प्लिकेट होगी तभी समझने का फ़ायदा है। आसान चीज़ को हम छोड़ देते तो बहुत आसान है, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अध्यात्म का रास्ता बहुत सीधा साधा है। वो हमें समझाता है कि एक पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने सृष्टि रची, वो ही सब कुछ करने वाले हैं, उनके बहाने में सब कुछ होता है, उनकी रज़ा में सब कुछ होता है। पत्ता भी हिलता है तो उनकी रज़ा में हिलता है, हवा भी चलती है उनकी रज़ा में चलती है, बारिश भी होती है उनकी रज़ा में होती है, और उन्होंने अपनी मौज में कई खंडमंडल बनाए, सचखंड, पार ब्रह्म, ब्रह्मांड, अंड और पिंड, और फिर अपने आप को अपने आप से अलग किया, जिन्हें हम आत्माएं कहते हैं, और इन मंडलों को बसाने के लिए उन आत्माओं को यहाँ भेज दिया। अब हम सब यहाँ इस पिंड के देश में, हमारे पिंड के देश में, ये धरती है, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, और कई गैलेक्सीज भी हैं, ये जड़ता का देश है, और आत्मा को यहाँ जीने के लिए कई कवरिंग्स ओढ़नी पड़ी, पार ब्रह्मंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, अंडी शरीर, पिंडी शरीर, तो हमारी आत्मा के ऊपर ये हैं ताकि हम यहाँ पर जी सकें। और यहाँ इन कवरिंग्स के अंदर जीते जीते इन शरीर को ही हम अपना असली आपा समझना शुरू हो गए हैं। मन इंद्रियों के घाट पर हम जीते हैं, यहाँ जीने के लिए हमें इंद्रियाँ दी गई हैं, आँखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जबान से चखना, और शरीर में हजारों सेंसर्स हैं, स्पर्श की इंद्रिय, तो उनके ज़रिए हम इस दुनिया में जीते हैं, तो सोचते हैं कि सब कुछ इस शरीर के साथ ही होता है, इसको हम असली समझना शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ पर समझाते हैं कि शरीर असली नहीं, इसको जो जान दे रही है, जो हमारी आत्मा है, वो ही हमारा असली रूप है, और इस शरीर में प्रभु ने वो पदार्थ दिए हैं कि हम सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग क्या है उसको जान सकते हैं, और सच की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो इस मानव चोले में आना एक बहुत बड़ी बरकत है। अब ये शरीर तो मिल गया, साथ में हम देखते हैं और भी बहुत से जीव हैं, तो सोचते हैं जानवर हैं, मछलियां हैं, परिंदे हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो प्रभु ने ये भी सब बनाए ताकि हमारी आत्मा अपने कर्मों के लिहाज से उनमें भड़कती है, लेकिन मानव चोले में सिर्फ वो पदार्थ दिया जिसमें कि हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पा सकते हैं, 84 लाख जिया जून से
छुटकारा पा सकते हैं। तो एक सुनहरा मौका पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, और अध्यात्म का रास्ता समझाता कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, कि जो नौ द्वार हैं जिनसे हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, दसम द्वार भी है, एक शिव नेत्र भी है जो यहाँ दो आँखों के बीच में है, जहाँ पर जब हम ध्यान टिकाते हैं तो हम अंदर की दुनिया में जा सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान टिकाने के लिए, इस द्वार को खोलने के लिए, क्योंकि द्वार ये बंद है, अगर हम अपने आप खोल सकते तो 84 लाख जिया जून में हमें भटकना नहीं पड़ता, इनको खोलने के लिए एक संत सद्गुरु की हमें ज़रूरत पड़ती है, कि गुरु की नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, कि इस दसम द्वार को वो खोलें। और फिर जब हम अंदर की दुनिया में जाएं तो हमारे को वो सहारा दें, ताकि अंदर की दुनिया में हम लोटपोट ना हो जाएं, क्योंकि जो निचले 3 मंडल हैं, पिंड और ब्रह्मांड, वो काल के दायरे में हैं। तो अगर हम अपने आप जैसे बाहर की दुनिया में भड़कते रहते हैं, अंदर की दुनिया बड़ी आसानी से भड़क सकते हैं। तो हमारे सदगुरु पहले तो द्वार खोलते हैं, फिर हमारे अंग संग रहते हैं, ताकि अंदर भी कोई हमें रुकावट ना आए, हमें रास्ता मिले, हमें सहारा मिले, वो हमें अपने साथ अपनी मंजिल सचखंड तक पहुँचा दें। तो इस सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसान है, सीधा साधा रास्ता, लेकिन क्योंकि आसान है हम सोचते ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। कि वो कहते हैं सागर में तो गागर आ गया, गागर में सागर कैसे आ गया, समुंदर में तो बहुत बूंदें हैं लेकिन बूंद में समुंदर कैसे आ गया, वो इंसान के समझ में नहीं आता। कि हमारा दिमाग एनालिटिकल है, सोचता है, समझता है, सोचता है ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन भूल जाते जो अध्यात्म का रास्ता वो दिलो दिमाग से कहीं आगे है। वो ऐसी चीज़ें जो हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं, जब तक उनका हम अनुभव नहीं करेंगे वो क्यों होता है हमारी समझ में नहीं आता। अब जैसे पानी है, अब पानी गैसेस से कैसे बन गया ये समझना बड़ा मुश्किल है, कि H2O हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स, ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल, दोनों गैस हैं, ये गैस मिली तो पानी क्यों बन गया। हम देखते हैं, हम पानी को तोड़ सकते हैं, गैस देख सकते हैं, लेकिन क्यों बना ये तो प्रभु को मालूम है, उन्होंने बना दिया तो बन गया, उन्होंने क्यों ऐसे बनाया ये हमारी समझ से बाहर है, लेकिन है ऐसा ये मालूम है। ये जानना कि ऐसा है वो जानना बहुत ज़रूरी है, अगर हम क्यों 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 में रह गए तो फिर हम कभी भी असलियत को जान नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हमारी समझ के दायरे के बाहर हैं, क्योंकि हमारी समझ का दायरा सीमित है, जितना हम पढ़ लिख गए, जितना हमने कोई चीज़ को समझने की कोशिश की, जितना इंटेलेक्ट बढ़ाया, जितना दुनिया का ज्ञान बढ़ाया, उतनी हमारी समझ है, लेकिन पिता परमेश्वर की जानकारी उस समझ से कहीं आगे है। जब ये समझ हमें आ जाती है तो फिर हम प्रभु को पाने के रास्ते पर आसानी से चल सकते हैं। इसीलिए बहुत सी बार ये देखा जाता है कि जो सीधे साधे इंसान हैं, जब वो भजन अभ्यास में बैठते हैं उनका भजन अभ्यास अच्छा होता है, और जो बहुत अपने आप को चालाक समझते हैं, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं, हमको बहुत कुछ जानकारी है, जब वो बैठते हैं उनको मुश्किल पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में इतने ख्याल चल रहे हैं कि वो उनको रोक नहीं पाते, और वही ख्याल उनको दुनिया की ओर इतना ज़्यादा खींचते हैं कि वो उससे हट नहीं पाते, और अंदर की दुनिया जो कि सीधी सादी है उसमें वो कदम उठा नहीं पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज छोटी सी उम्र से, क्योंकि ऐसे घराने में पैदा हुए जहाँ संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, जहाँ उन्होंने रूल बनाया था, तो घर में अगर कोई बात करनी है तो अच्छी होनी चाहिए, किसी की बुराई करनी तो वो सुनते ही नहीं थे, घर में बात करनी है तो अच्छी करो नहीं तो मत करो। लोगों के घर में क्या होता है,
कभी इसकी टांग खींच रहे हैं, कभी उसकी टांग खींच रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। शुरू से वो देखते थे अपने पिताजी को माताजी को अभ्यास में बैठा, तो उनको शुरू से ही इस रास्ते की जानकारी हुई और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया मेहर उन पर हुई, रास्ते पर चलने शुरू हो गए। हाई स्कूल के बाद पर्शियन लैंग्वेज सीखी, क्योंकि हजूर ने कहा कि इस लैंग्वेज में, सूफिज़म में और बहुत से रूहानियत की जो बातें लिखी हुई हैं वो इस भाषा को जानकर मालूम होंगी। छोटी सी उम्र से उन्होंने शेरों के ज़रिए जो रूहानियत का रास्ता है, जो इसकी समझ है, वो आस्ते आस्ते खोलनी शुरू कर दी। जो सबसे पहला शेर उन्होंने लिखा वो ऐसे है कि खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है, खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है, ये आईना है वो जिसमें खुदा मालूम होता है। तो वन ऑफ द जो बेसिक टेनेंट्स है, जो बेसिक्स हैं रूहानियत के रास्ते की, कि पिता परमेश्वर का नूर, उनकी इनलाइटनमेंट, उनकी रोशनी, उनकी ज्योति, उनका नाम, उनका शब्द, ये कहाँ से मिलता है, इसको पाएं कहाँ से। पिता परमेश्वर तो हैं, इसे हम मान लेते हैं, उनको देखें कहाँ, पहाड़ पे बैठे हैं, दरिया में बैठे हैं, इस देश में हैं, उस देश में, कहाँ पर हैं। जो उनसे जो रूहानियत निकलती है उसको देखें कहाँ, जाने कहाँ, पहचाने कहाँ, क्योंकि हम तो सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने छोटी सी उम्र में ये कह दिया कि खुदा का नूर मुर्शिद में, मुर्शिद सदगुरु को कहते हैं, भला मालूम होता है। कि जो हमने प्रभु से रोशनी देखनी है, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति देखनी है, कहाँ पे देखें, अपने सदगुरु के अंदर, उनके अंदर ही दिखती है। कि ये आईना है वो जिसमें खुदा मालूम होता है, कि इनके ज़रिए ही, इनके बीच में से ही हमें खुदा मिलेगा, इनके ज़रिए मिलेगा खुदा। तो ये संतमत का पहला चैप्टर है जो हमने समझना है, कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो कहाँ से पाना, अगर यही नहीं समझ आया तो उन्हें पाएंगे कहाँ से। एक पूर्ण महापुरुष जब अपनी तवज्जो हमें देते हैं, हमें इस शरीर से ऊपर उठने की शक्ति देते हैं, फिर हम जब आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार कर पाते हैं, तो हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं, जिसे हम गुरुदेव के नाम से पुकारते हैं। एक संत सदगुरु को जब हम भारी रूप से देखते हैं, हम एक अध्यापक टीचर के रूप में देखते हैं, हम उन्हें सत्संगों में मिलते हैं, उनके दर्शन करते हैं, देखते हैं कि औरों की मदद कर रहे हैं, तो आस्ते 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 हमें उनसे लगाव हो जाता है, हम समझते हैं वो अच्छे इंसान हैं। और जैसे जैसे हम सत्संगों में आते हैं, हमें भी लगता है कि हम कुछ और पाएं, और हम नाम लेने के लिए तैयार होते हैं। फिर अगर वो चाहें कि हमें नाम मिले और हमें नाम की देन मिलती है, तो क्या होता है कि उनका नूरी स्वरूप यहाँ हमारे शिव नेत्र पर टिक जाता है। फिर जब भी हम उन तक पहुँचेंगे, वो हमें अंदर के मंडल पर लेके जाते हैं, अब वो हमारे साथ हैं। अगर हम उन्हें देख नहीं पाते तो कमज़ोरी हम में है, कि हम अपने आप को उस अवस्था में कर नहीं पाते जिसमें हम उनका अनुभव कर पाए। अब पिता परमेश्वर है, अगर उनकी हम जानकारी ना पाएं तो कमज़ोरी हमारी है। अगर हमारा सारा समय इस दुनिया में सिर्फ दुनिया की चीज़ों की जानकारी में रह गया और हम कहें तो हमने तो प्रभु को देखा नहीं, तो कमज़ोरी प्रभु की नहीं, हमारी है, कि हमने जो समय मिला था प्रभु को पाने का, उसको दुनिया की ओर लगा दिया और ये सोचा, ये समझा कि दुनिया की चीज़ें ही सबसे ज़रूरी हैं और सब अपने एफर्ट्स उस ओर डाल दिए। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे
को मिल सकते हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हमने जिसे रूह की उड़ान कहा गया है, अंदरूनी यात्रा कहा गया है, उस यात्रा पर जाना है। और मताए नूर जो संदर्शन सिंह जी महाराज की एक गजलों का संग्रह है, मताए नूर का मतलब होता है नूर का खजाना, आध्यात्मिक रोशनी का भंडार, वो खजाना जिसके ज़रिए रोशनी क्या है, अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसकी समझ में है। उसका जो सबसे पहला शेयर है उस किताब का, उसमें संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफ़र, खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नज़र नज़र। तो वो जो अंदरूनी यात्रा है वो उन्होंने उस किताब के सबसे पहले शेर में समझाई कि सारी किताब किसके लिए लिखी हुई है, उस यात्रा की जानकारी पाने के लिए। वो यात्रा क्या है, खाक का मतलब था मिट्टी से, खाक से ताबा क्या कशां, ताबा का मतलब होता है हद तक, सीमा तक जाना, क्या कशां का मतलब होता है जो अंदर का चिदाकाश है, जो अंदर की दुनिया है, जो ये पिंडान ब्रह्मांड पार ब्रह्म सचखंड जो सब हमारे भीतर हैं। तो कह रहे हैं कि जब मिट्टी से, इस फिजिकल वर्ल्ड से मैं अंदर की दुनिया की हद तक गया तो मैंने क्या पाया कि इश्क मिला कदम कदम, कि हर कदम पर मुझे प्रेम मिला। किसका प्रेम? गुरु का प्यार। क्यों? क्योंकि इस अंदर की जर्नी पे जाने के लिए, इस यात्रा पर जाने के लिए पहले रोशनियों को पार करके, आसमान से तारे चंद्रमा सूर्य को पार कर, हम पहले अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं, फिर उनका प्यार है जो हमें अपने साथ लेके जाता है। तो इश्क मिला कदम कदम के, जैसे इस यात्रा पर गए अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचे तो उनका प्यार और मिला और मिला और मिला। और उसके साथ क्या है, हुस्न मिला नज़र नज़र, कि हर एक नज़ारा और खूबसूरत होता गया, और खूबसूरत होता है, और खूबसूरत होता है। क्योंकि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर खूबसूरती खूबसूरती होती है, वहाँ पर हर चीज़, एक जगह और फरमाया उन्होंने, हर चीज़ हुस्न आफरी होती है, कि हर एक चीज़ और जब हम प्यार में तो खूबसूरत लगती है। तो जब हम अपने गुरु का प्यार पाते हैं तो फिर हर एक चीज़, हर एक मोमेंट हमें खूबसूरत ही खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है। और यही संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो रोशनी का भंडार है वो हमें खुशियों के आलम में पहुंचा देता है। जब हम अपने भीतर प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ते हैं, उसके साथ मिलते हैं, तो फिर हर एक चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, सारा एटमॉस्फियर प्रभु के प्रेम से भरपूर होता है, और हम वो जो खुशी का आलम है, जो आनंद की अवस्था है, उसमें अपने आप को पाना शुरू कर देते हैं।